स्टैंडर्ड 7 यूनिट 6 आर्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 7 आर्ट इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कोई भी कला है वो हमारी जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे अंदर जो लागणी होती है वो व्यक्त करने का माध्यम है आर्टिस्ट एक्सप्रेस देयर व्यूज़ थॉट्स एंड फिलोसॉफीज थ्रू डिफरेंट मीडिया जो कलाकार होते हैं वो अपने विचार जो अपने मान्यताएं होती है जीवन के प्रति उनकी दृष्टि जो होती है वो अलग अलग माध्यम के द्वारा व्यक्त करते हैं हियर इज अ टेस्ट फॉर यू गेस व्हाट इज इट यहाँ पर आपके लिए एक टेस्ट है आप गेस कीजिए वो क्या है देयर इज वन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेस इज व्यूज एंड थॉट्स ऑफ ऑल कॉमन पीपल एक माध्यम है अभिव्यक्त करने का जिसके अंदर विचार है वो अभिव्यक्त होते हैं सामान्य मानवी के इट लुक्स वेरी सिंपल बट इट इज नॉट वो एकदम सिंपल दिखाई देता है लेकिन वो नहीं है इट हैज़ कैरिकेटर्स ऑफ पीपल एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट उसके अंदर जो लोग होते हैं प्राणी होते हैं चीज़ें होती हैं उसके चित्र बने हुए होते हैं इट कैन ऑल्सो बी अ सेटायर उसके अंदर सेटायर भी होता है यानी कि व्यंग्य भी होता है वी फॉर्म इट ऑलमोस्ट एवरी डे इन द न्यूज़पेपर हम उसको न्यूज़पेपर में रोज देखते हैं जनरली इट इज अ स्केच विथ अ फ्यू वर्ड्स वो एक स्केच है जिसके अंदर बहुत कम वर्ड्स हैं विच आर्ट इज इट वो कौन सा आर्ट है तो आएगा देखिए कौन सा है वो कार्टून CARTOON कार्टून आप देखती हो ना पेपर में आता है आप अगर न्यूज़पेपर देखो तो कश्मित्र में आता है दिव्य भास्कर में भी आता है तो ये इस टाइप के कार्टून होते हैं जिसको पढ़कर हमको हंसी आती है डू यू वॉन्ट अ हिंट आपको अभी भी हिंट की क्या ज़रूरत है हियर इट इज वट डू यू कॉल टी वी प्रोग्राम्स लाइक टॉम एंड जेरी छोटा भीम एक्सेट्रा छोटा भीम टॉम एंड जेरी उसको आप क्या कहते हो कार्टून कहते हो ना लुक एट द वर्ड्स बाय फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण एंड आइडेंटिफाइड वॉट इज कॉमन इन धेम नीचे के जो वर्क है वो है फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की बताइए इन दोनों पिक्चर में कॉमन क्या है पहला पिक्चर देखिए इट इज़ सफर टू स्लीप इन द मिडल ऑफ द रोड देन ऑन द पेवमेंट दिस डेज यानी कि पेवमेंट यानी कि इसमें सेटर कहा गया है कि पेवमेंट यानी कि जो चलने का रास्ता है उससे ज़्यादा तो हम अगर रोड पे सो जाए तो वो अच्छा रहेगा मतलब कि जो चलने के जो रास्ते होते हैं वो इतने ख़राब हो गए हैं उसके अंदर इतनी दबान हो गया है कि वो चलने के लायक ही नहीं रहे इसीलिए वो सेफ है कि हम रास्ते में सो जाए फिर है ऑफकोर्स दूसरा पिक्चर है आई हैव अ कार बट आई डोंट हैव अ रोड टू ड्राइव इट ऑन कि हाँ हाँ मेरे पास कार है लेकिन मेरे पास रोड नहीं है कि मैं कार को चला सकूँ इसमें भी सेटायर है कि हमारे रोड्स इस तरीके के हैं कि हम उस पर कुछ भी कर सकते नहीं हैं ठीक है तो इन दोनों में से कॉमन क्या है कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं एवरीडे लाइफ में वो वाली नाउ ओपन पेज नंबर 4 एक्टिविटी 8 सो व्हाट इज कॉमन इन बोथ द कार्टून्स क्या कॉमन है यस अ मैन इज स्ट्राइप्ड कोट जो कॉमन है वो है देखो एक इंसान दिखाई दे रहा है जिसने चेक्स वाला स्ट्राइप्ड कोट पहना है सीधी सीधी लाइन वाला एक कोट इट इज एक्सप्रेशन ऑफ अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया वो रिप्रेजेंट करता है जो आम आदमी है इंडिया का वो देट इज़ कॉमन इन मोस्ट आर के लक्ष्मण कार्टून्स आर के लक्ष्मण जो ये कार्टून बनाते हैं उनमें मोस्टली ये देखा जाता है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण इज बेस्ट नोन फॉर हीज क्रिएशन ऑफ द कॉमन मैन फॉर हीज डेली कार्टून स्ट्रिप यू सेड इट रासीपुरम कृष्णवर्धी अय्यर लक्ष्मण उनका नाम है जो अपने कॉमन मैन के जो कार्टून स्ट्रिप है कार्टून उनका आता है डेली न्यूज़पेपर में यू सेड इट उसका नाम है विच स्टार्टेड इन 1951 इन अ फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया
जो भारत का प्रख्यात न्यूज़पेपर है उसमें 1951 से उनके कार्टून आते हैं। फॉर ओवर अ हाफ ऑफ अ सेंचुरी द कॉमन मैन हैज़ रिप्रेजेंटेड द होप्स एस्पिरेशंस ट्रबल्स इन द एवरेज इंडियन। हाफ यानी कि आधी सेंचुरी के अंदर जो कॉमन मैन की जो आशाएं हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स है इंडियन कॉमन मैन है उसकी, वो उनके कार्टून में दिखाई देती है। बट ही डिड नॉट स्टार्ट विद द कॉमन मैन। लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया था कार्टून बनाना, तब उन्होंने कॉमन मैन से चालू नहीं किया था। लक्ष्मण नोट्स इन द ऑटोबायोग्राफी द ट्यूनल ऑफ टाइम आई ड्रो ऑब्जेक्ट दैट कॉट माई आई आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई रूम द ड्राई ट्विग्स लीव्स एंड लिजार्ड लाइक क्रिएचर्स क्रॉलिंग अबाउट द सर्वेंट चॉपिंग फायरवुड एंड ऑफकोर्स ए नंबर ऑफ क्रोज इन द वेरियस पोस्टर्स ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग ऑपोजिट। यानी कि लक्ष्मण अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने खुद लिखी अपने बारे में, द ट्यूनल ऑफ टाइम उसका नाम है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि मैंने ऐसी चीज़ें बनाई जो मेरा ध्यान खींचती है जब मैं विंडो के बाहर देखता हूँ, मेरे रूम के जो विंडो है उसके बाहर जब मैं दिखता हूँ वो चीज़ें जो मुझे दिखाई देती है, द ड्राई ट्विग्स सूखे हुए डालियाँ जो छोटी छोटी होती है वो, लीव्स पत्ते, लिजार्ड लाइक क्रिएचर्स क्रॉलिंग अबाउट, हम देखते हैं कि वो चिपकली है वो क्रॉल कर रही है, वो सरक रही है दीवार के ऊपर। द सर्वेंट चॉपिंग फायरवुड, जो नौकर होते हैं वो फायर है वो चॉप कर रहे हैं, जला रहे हैं। एंड ऑफकोर्स और नंबर ऑफ क्रोल्स इन द वेरियस पोस्टर्स ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग ऑपोजिट। और मैं अपनी ऑपोजिट साइड में देखता हूँ कि रूफ टॉप्स यानी कि जो छपरे होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे क्रोज है, यानी कि कागड़े जिसे हम बोलते हैं, कौए जिसे हम बोलते हैं, वो मैं देखता हूँ कि अलग अलग पोस्टर्स में बैठे हुए होते हैं। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले जो लक्ष्मण है उन्होंने कार्टून जो बनाना स्टार्ट किया था वो कॉमन मैन के बारे में नहीं था। उन्होंने सभी ये हमारे घर के विंडो के बाहर जो चीज़ें दिखती हैं उसका ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद में उसको देखकर उन्होंने कार्टून बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद में है एक्टिविटी 9। वी हैव रिपीटेड द वर्ड कॉमन सो मेनी टाइम्स इन लास्ट टू एक्टिविटीज, लेट्स हैव सम फन विथ इट नाउ। हमने दो एक्टिविटी में कुछ वर्ड्स है वो देखे कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, चलो हम नीचे के सेंटेंसेस रीड करते हैं। कॉमन मैन डज कॉमन थिंग्स एंड इज कॉमन टू ऑल हिज कार्टून्स। इफ दिस इज अनकॉमन, वॉट इज कॉमन टू ऑल कॉमन्स, लेट्स रीड सम मोर टंग ट्विस्टर्स। इसे टंग ट्विस्टर्स कहते हैं कि बार बार वर्ड्स है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलो दूसरे पढ़ते हैं। आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, द बिग बग बीट द लिटल बीटल बट द लिटल बीटल बीट द बिग बग बैक। इफ यू वॉन्ट टू बाय बाय, इफ यू डोंट वॉन्ट टू बाय बाय बाय। ठीक है, ये सारे टंग ट्विस्टर्स हैं, आपको खुद भी ऐसे बनाने के हैं, वर्कबुक में लिखने के हैं। ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 48। लेट्स टेक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड बिकम अ कार्टूनिस्ट, लुक एट द बिलो गिवन कैरिकेचर्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई देयर। यहाँ पर किसका है ये फर्स्ट पिक्चर, या कार्टून की तरह बनाया है, देखो अमिताभ बच्चन। सेकंड वन इज ऑफ MS धोनी एंड थर्ड वन किसका है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, लिख देना है। नाउ ओपन योर वर्कबुक एंड पेज नंबर 69 ऑफ योर वर्कबुक, उसका जो एक्टिविटी 8 है वो क्वेश्चन आंसर्स है, अभी मैंने समझा है वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, पेज नंबर 69 में फिर आपको निकलना है 70 नंबर का पेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट है व्हाट इज टंग ट्विस्टर, मैंने आपको समझाया ना अभी टंग ट्विस्टर क्या है, तो लिखिए, मैं आंसर लिखाती हूँ, अ फ्रेज PHRAC
सॉरी पी एच आर ए एस ई, पी एच आर ए एस ई और सेंटेंस एस ई एन टी ई एन सी ई विथ मेनी सिमिलर साउंड्स दैट इज डिफिकल्ट टू से करेक्टली वेन यू आर स्पीकिंग क्विकली। ठीक है, ऐसा फ्रेज या सेंटेंस जिसके अंदर सिमिलर साउंड्स है जो आप प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट हो, जब आप स्पीड में बोलते हो तो आप प्रोनाउंस प्रॉपरली ना कर सके, उसे टंग ट्विस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, राइट एटलीस्ट 5 टंग ट्विस्टर्स ऑफ योर चॉइस। कोई भी 5 टंग ट्विस्टर्स लिखने हैं, 2-3 तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिए गए हैं, और भी ढूंढिए आप। ठीक है, और 5 एटलीस्ट होने चाहिए। उसके बाद में है राइटिंग, मेंशन एनी 3 आर्ट्स एंड राइट अबाउट देम इन योर ओन वर्ड्स। कोई भी 3 आर्ट्स के बारे में लिखिए। आर्ट यानी कला, कौन कौन सी कला कहलाती है? डांसिंग इज एन आर्ट, पेंटिंग इज एन आर्ट, ठीक है, कुकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। ठीक है, बहुत सारी कलाएं हैं दुनिया में, तो 3 कोई भी लिखने हैं और अपने आप उसको एक्सप्लेन करना है, सेंटेंसेस लिखने हैं। उसके बाद में 71 नंबर का पेज आपको निकालना है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट आर्ट एग्जीबिशन यू विजिटेड इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपके फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है कि आपने आर्ट एग्जीबिशन विजिट किया है उसके बारे में 150 वर्ड्स में। आप देखते हैं कि कोई कोई कला का जो एग्जीबिशन प्रदर्शन होता है, हमारे यहाँ पर भी कभी कभी भारत उत्सव का जो होता है उसमें हम जाते हैं ना, उसमें भी कला का ही प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो लेटर जैसे लिखते हो वैसे ऊपर एड्रेस लिखना है, उसके बाद में जैसे आप लिखते हो डियर फ्रेंड जो भी नाम है वो डिटेल्स लिखनी है कि कितने स्टॉल्स थे वहाँ पर, हर एक स्टॉल के अंदर क्या क्या था, खाने पीने की कौन सी चीज़ें थी, शॉपिंग के लिए क्या था। ठीक है, धोलो में जाते हो तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे स्टॉल्स होते हैं, एग्जीबिशन होता है आर्ट्स का। ठीक है, कला प्रदर्शित करते हैं, तो भारत उत्सव यहाँ पर है, धोलो में हम जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी स्टॉल्स और वो सब है, तो ऐसी डिटेल्स सारी लिखनी है कि खाने की चीज़ें हैं वहाँ पर स्टॉल्स के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम कुर्तियाँ देखते हैं। ठीक है, फिर वो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारी एग्जीबिशन में हम विजिट भी लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। यूनिट 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है, आपको सब कुछ कंप्लीट करना है, बॉल पेन से ही करना है। ठीक है, डू योर होमवर्क रेगुलरली।